दोस्तों आज की ये वीडियो है अल्मुनियम वायर से जो है कैसे जो है कॉपर का वायर जोड़ा जाए, ठीक है ना। तो कैसे एक प्रॉपर जो है सोल्डिंग की जाए ताकि जो हमारा जो जॉइंट है यानी जो जो अल्मुनियम का जो ये कॉइल होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, कोई भी इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है उसमें अल्मुनियम का ज्वाइंट जो है होता है, ठीक है, और किसी कारण से जो ज्वाइंट होता है वो हमारा भ्रष्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस केस में इस ट्रांसफार्मर में यही हुआ है, ठीक है। यह माइक्रोटेक का साइन वेव इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए UPS 24x7 हाइब्रिड 950। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आया कि जो वायर था वो ज्वाइंट फेल हो गया था। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि प्रॉपर जो है वायर को जो है हमने रगड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर इसको हमने साफ़ किया है, साफ़ करने के बाद और इसको हमने जो वायर था, और ये जो वायर है दोस्तों ये जिंक कोटेड वायर है, आप देख रहे हैं साफा, यहाँ पे जिंक का कोटेड है, अंदर कॉपर है, बाहर में जिंक कोटेड है। तो हमें जब भी इस तरह का जो मतलब केस आता है तो हमें कोशिश करना है कि इसी तरह का जो वायर होता है वो इस्तेमाल लें ताकि इस पर जो है जंग कभी भी वापस नहीं लगता, ठीक है, कार्बन इस पर नहीं लगेगा, ठीक है ना, और अल्मुनियम और कॉपर का जो है कार्बन यहाँ पर नहीं लगेगा। सो अभी हमने जो है ये जो वायर था इसको हमने इसमें जो है इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, जैसा आप ट्विस्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर ट्विस्ट कर लेना है। और यहाँ पे भी हमने देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल जो है ट्विस्ट किया है, ठीक है, सीधा ले गए आगे की तरफ और इसमें हमने जो है पैरेलली जो है आगे पीछे ट्विस्ट किया है, यानी इधर से और इधर से, और इसमें हमने जो है दोनों को एक साथ ट्विस्ट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है इसका फ्लक्स लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अल्मुनियम फ्लक्स आता है, यहाँ पर आप देखिए ये एक कंपाउंड है, ठीक है, जो अभी है अल्मुनियम के ऊपर जो इसे लगाया जाता है। तो इसको सेक कर लेंगे इस तरीके से, हल्का सा इसको फेंट लेंगे और सोल्डिंग आपका पूरा गर्म होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम जो नॉर्मल जो रंगा लेते हैं वो रंगा यहाँ पे लेंगे। तो अभी हम आपको इसको जो है सोल्डिंग करते हैं, स्लेबिंग वगैरह जो है प्रॉपर आप लगा लो, ठीक है, जिसके हिसाब से, और उसके बाद सोल्डिंग आपका पूरा गर्म होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पंखा जो है रूम का बंद कर दें ताकि जो है अच्छे से ये रंगा पकड़े। सबसे पहले क्या करना है कि कंपाउंड को हमें जो है इस पे लगाना होगा, ठीक है ना, ये जो अल्मुनियम है इसके जॉइंट पे हमें लगाना होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाना होगा लेकिन लगाना होगा थोड़ा सा। सो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरे तरीके से। सो यहाँ पे देखिए ये है हमारा, ठीक है, सबसे पहले हम फ्लक्स को यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लक्स है, तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले इसको इस तरीके से लगा देंगे, यहाँ लग गया है। अब सेकेंड वाले में भी सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे तो फ्लक्स थोड़ा सा गिरेगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स लग गया है। और सोल्डिंग हमारा जो दोस्तों पूरी तरीके से गर्म है, अब देखिए। सो नॉर्मली हम यहाँ पर सोल्डिंग को इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, लगातार हमें रंगा जो है देते रहना है इस तरीके से हम लगाएंगे। सो एक क्वायर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम सेकंड वाले में भी वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे सोल्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आपको मैं एक बार दिखा दूँ सोल्डिंग की क्वालिटी कैसी है। सो यहाँ पे आप देखिए कि जो सोल्डिंग है वो प्रॉपर हमारा जो है ट्विस्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इधर से भी हम अगर आपको दिखाएं पीछे से भी, तो यहाँ पे देखिए सोल्डिंग हमारा पूरे तरीके से ये ट्विस्ट हो चुका है, इसमें कोई भी किसी तरह का कहीं पर भी आपको जो है छूटा हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो सेकेंड वाले पर बात करें तो सेकेंड वाले में भी हमारा जो सोल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से एकदम, यहाँ पे आप देखिएगा तो रंगा यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोल्डिंग हमारा प्रॉपर हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप भी जो है इस तरीके से सोल्डिंग करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो है ज्वाइंट ना करें यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर जो है सोल्डिंग मेथड इस्तेमाल कीजिए अल्मुनियम का, ताकि जो ज्वाइंट है वो प्रॉपर हो और किसी तरह का कोई भी जो है ट्रांसफार्मर के जॉइंट में जो है प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
सिंपली ये जो था हमारा यहाँ पे हम इसको इस तरीके से इसको चढ़ा देंगे। यहाँ पे हमने इसको ऐसे चढ़ा दिया। अब हम इस वायर को हमें इस साइड निकालना है तो हम इस साइड ऐसे कर लेंगे। ये हमारा वायर इस साइड निकल गया और इसमें भी हम जो है अपना इसमें भी जो है हम क्या करते हैं कि स्लैबिंग इसमें भी हम लगा लेते हैं। तो इसका स्लैबिंग हमने यहीं पे रखा था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी हमारा स्लैबिंग जो है मिल नहीं रहा है, इसका स्लैबिंग यहीं पे था रखा हुआ। तो इस तरीके से आप भी जो है प्रॉपर सोल्डिंग जो है कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सोल्डिंग प्लस का इस्तेमाल कीजिए और आपका जो सोल्डिंग है वो बहुत ही बेहतरीन सोल्डिंग होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई भी आपको जो है जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होता है। अक्सर प्रॉब्लम ये आते रहता है, खासकर इस तरह का ट्रांसफार्मर वाले जो इन्वर्टर होते हैं कॉपर अल्मीनियम के, उसमें प्रॉब्लम होते रहता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये तरीका पसंद आया होगा कि कैसे सोल्डिंग करना है अल्मीनियम और कॉपर का जो वायर आता है इस तरीके से।